तो फ्रेंड्स सुबह सुबह चाय जो मिल जाए ना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं जब चाय बना रही थी तो उसका थोड़ा सा वीडियो हमने ले लिया है, तो अच्छा लगता है ना ये देख के, सबको लग रहा होगा कि चाय पी लूँ। और बहुत बढ़िया सी चाय हमारी तैयार हो रही है, और ये जो है ना वीडियो पहले की है तो मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। और आप भी चाय पी लीजिए अगर ठंडी ठंडी में बढ़िया सी चाय। और अभी बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो ये 26 जनवरी का ही वीडियो है, नाइट का डिनर में जब बना रही थी मैं पालक पनीर की सब्ज़ी, जिसे मैंने शेयर कर रखा है वीडियो में। ये थोड़ा बहुत मैं दिखा दे रही हूँ, और बहुत ही टेस्टी लगता है पालक पनीर की सब्ज़ी। और पनीर को मैं फ्राई कर ले रही हूँ, आप बिना फ्राई किए भी डाल सकते हैं, मुझे तो पनीर फ्राई करके ही अच्छा लगता है। बाकी ये प्याज, हरी मिर्च, टमाटर वगैरह है, लहसुन अदरक हमने पीस रखा है इसमें आज, और ये है पालक। तो चलिए बना लेते हैं फटाफट से, उसके बाद मैं नेक्स्ट डे में मिलूँगी। तो आज मैं पुराने फ़ोन से वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि वो फ़ोन जो है फ्लोडिंग पे लगा हुआ है और इसमें आवाज़ वगैरह उतना अच्छे से नहीं आती है। तो मैं बना रही पालक पनीर। चलिए बना लेते हैं फटाफट से। तो मसाले आप देख सकते हैं भुन गए हैं खूब अच्छे से, और इसमें मैंने बहुत कम ऑयल यूज़ किया है। आप थोड़ा सा और अच्छे से ऑयल और घी या बटर का यूज़ कर सकते हैं। और पालक देखिए कितना बढ़िया से ब्लांच करने के बाद इस तरह से रख करते हैं, तो इसका कलर बहुत सुंदर सा आता है। तो आप देख सकते हैं इसका एकदम ग्रीन ग्रीन कलर है, और पनीर भी तल के तैयार किया हुआ रखा हुआ है। अभी इसे थोड़ी देर चला देंगे, और इसमें मैं डाल रही हूँ घर का पिसा हुआ गर्म मसाला, तो वो बहुत अच्छा टेस्ट करता है, मैंने थोड़ा सा डाला है। बाकी मैं इसमें मीट मसाला भी डालूंगी, यह है कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी तो टेस्ट को बहुत बढ़ा देता है, बहुत अच्छा लगता है। कसूरी मेथी डालिए इन सब चीज़ों में, तो पनीर की सब्जी सब्जियों में कसूरी मेथी और किचन किंग मसाला डालिए, सब्जी का टेस्ट जो है ना वो बढ़ जाता है। और उसमें थोड़ा सा हम लोग सौंफ भी डालते हैं, तो उससे भी टेस्ट बढ़ जाता है। अभी डाल देते हैं पनीर। तो पनीर आप ऐसे, बहुत लोग को कच्चा पनीर अच्छा लगता है, मतलब बिना फ्राई किया हुआ, हमें तो फ्राई किया हुआ पनीर ही अच्छा लगता है, और ये थोड़ा ज़्यादा टेस्ट में बढ़िया लगता है। ऐसे कच्चा भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली फ्राई किया हुआ पनीर अच्छा लगता है ज़्यादा, तो मैं हर चीज़ में फ्राई करके ही पनीर को डालती हूँ। होप आप लोग को ये सब्ज़ी अच्छी लगी होगी, ठंडी में पालक पनीर की सब्ज़ी। ये 26 जनवरी की वीडियो है। तो ये हमारी सब्जी जो है बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं कितनी टेस्टी लग रही है। इसमें मैं थोड़ा सा घी डालूंगी, आप बटर डाल रही हूँ मैं, घी नहीं, बटर, एक टुकड़ा बटर डाल रही हूँ, ताकि थोड़ा सा टेस्ट भी रहे और हेल्थ भी रहे। तो ये हमारा डिनर जो है बिल्कुल से रेडी है। रोटी है, पालक पनीर की सब्जी है, मीठी चटनी और प्याज। बहुत ही टेस्टी सा डिनर जो है हमारा तैयार है, बहुत अच्छा लग रहा था सब्जी। और मैंने रेसिपी बस दिखा दिया है म्यूज़िक पे। कैसा लगा सब्जी आपको? तो चलिए रिएक्शन इनका भी ले लेते हैं। आप उल्टा स्वेटर क्यों पहनते हैं? तो अभी एक और चीज़ है इसमें, पालक पनीर भी है, और आज रसगुल्ला हमने ले आया, हम लोग लेके आए थे बाजार से, तो उसको भी इंजॉय कर लेते हैं। आप भी खा लीजिएगा। सो नेक्स्ट डे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ओम साई राम सौम्या। और मैं बना रही हूँ अप्पे मेकर में लिट्टी। तो बनाएंगे लिट्टी, चोखा तो नहीं है, लिट्टी और चाय साथ खा लेंगे या फिर चटनी के साथ। मैं फटाफट से बना लेती हूँ। इसका सत्तू जो है वो तैयार है, इस तरह से जो सत्तू भर का लिट्टी होता है वही बना लेते। तो चलिए फटाफट से मैं बना लेती हूँ, उसके बाद बात करती हूँ। मेरी झलक से भी सुनने बातें, तो ये है लिट्टी। हम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जन की नंदनी।
की जो सिक रही है इसे थोड़ी देर ढक देते हैं, कितना बढ़िया लग रहा है। देखिए फ्रेंड्स, एक एक्सपेरिमेंट आज मैं कर रही हूँ, जैसे लिट्टी सत्तू वाला बनाते हैं ना, ये देखिए खाली हो गया सत्तू वाला, और इसमें है नारियल, चीनी और किशमिश काजू, दो मैंने बना के रख दिए हैं, उसी तरह इस तरह से बनाएंगे, इसमें भरेंगे, इसको देखते हैं क्या होता है। और नारियल चीनी, नारियल का चूर जो आता है वो है डेसिकेटेड कोकोनट, और चीनी और काजू किशमिश है थोड़ा सा, और थोड़ा सा सौंफ है, देखते हैं क्या होता है इसका, तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें हमने भर लिया बढ़िया से चीनी वाला जो था पीठा, और इसको अच्छे से बंद कर लिया, कहीं से भी जगह नहीं कि चीनी निकल जाती है हल्के, और इस पर मैंने क्रॉस का निशान दे दिया क्योंकि सत्तू वाला और ये दोनों मिल नहीं जाए। और चलिए देख लेते हैं कैसा होता है। तो सारी लिट्टी जो है वो सीख गई है, मीठी वाली भी और सत्तू वाली भी, उसमें अभी घी डाल देते हैं, और बहुत ज़्यादा घी नहीं, देखिए बहुत मैंने थोड़ा सा ही घी लगाया है क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर अच्छा नहीं लगता है, मुझे ज़्यादा घी पसंद नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा लगा दे रहे हैं, और चाहिए होगा तो ऊपर से और लोग जिनको खाना होगा, मतलब इन लोग को बच्चे लोग को, तो वो और ऊपर से ले लेंगे। और ये देखिए बिल्कुल बढ़िया से जो है ना लिट्टी तैयार है, तो मीठी वाली चटनी के साथ दो हरी मिर्च हमने रख दिए, खाना होगा तो खाएंगे, नहीं तो ऐसे देखने में ठीक लग रहा था तो मैं रख दी थी। और ये मीठी चटनी है और सत्तू वाली लिट्टी है, और मैं खाऊंगी चाय के साथ। तो ये देखिए गर्मा लिट्टी और चाय, किनको किनको अच्छा लगता है बताइए, बहुत टेस्टी सा लिट्टी और चाय, और ये चटनी साथ भी बहुत अच्छा लगता है। चलिए हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओम साई राम सौम्य। और इतनी ठंडी बढ़ गई ना, कुछ भी करने का मन नहीं करता, कुछ भी नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई। अंकित अभी गया ट्यूशन, कोचिंग अभी हो रहा है थोड़ा। आज नाश्ता हमने लिट्टी बनाया था, और चीनी वाला भी एक मीठा वाला भी लिट्टी बनाया था, ट्राई किया था पहली बार, बच्चों को बहुत अच्छा लगा, हमने भी टेस्ट करके देखा, बहुत टेस्टी लगा था, बहुत अच्छा। आप बना कर एक बार देख सकते हैं, अगर बच्चे को मीठा पसंद है तो वो उन्हें अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो बहुत छोटा सा रखते हैं, और कुछ खास है नहीं क्योंकि ठंडी है, तो कहीं जाना है नहीं, आना नहीं है, वही खाना पीना बर्तन सर्तन करना है, तो कुछ खास तो है नहीं उसमें, क्या दिखाऊंगे, खींची झाड़ू पोछा बर्तन, तो वही है। चलिए धूप बिल्कुल भी नहीं, धूप छाँव हो रही है, और ठंडी बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इधर भी पर्दा लगाना है हमें, तो इसका जो आता है क्या बोलते हैं उसे, क्लैंप क्या बोलते हैं पर्दा लगाने वाला, तो वो कसना है, और ये बिना ड्रिल का काम नहीं होता है। तो अभी ठंडी में बहुत सारे काम हमारे रुके हुए हैं, बाहर बाउंड्री करवाना है, फिर रूम जो नया बना है उसको भी ठीक करना है थोड़ा, और इधर भी खिड़की में भी पर्दा वर्दा लगाना है। तो अभी मैं ठंडी में ना कुछ भी करने का मन नहीं करता है, और थोड़ा सा कोरोना भी है तो मिस्त्री बुलाइए तो थोड़ा सा डर हो जाता है ना। तो मेरा भाई जो है वो बोलता है कि हीटर को ना पीठ में बांध लो, क्योंकि वो मुझे जब ना तब ऐसे ही देखता है, अब वीडियो कॉल का भी कर लो तो वैसे ही देखता है, तो भाई ये क्या करें, ठंडा लगता है, तो ठंडी में तो थोड़ा सा सावधानी रखना चाहिए ना, आग वाग तो जला नहीं रहे हैं, और मेरे यहाँ अगर आग मैं जलाऊँगी ना तो बच्चे क्या है, कोई उधर से पेपर लेके आएगा, कोई उधर से माचिस की तिल लेके आएगा, कोई कुछ पढ़ाई भी नहीं करते हैं, उनका सारा दिन उसी में ध्यान रहता है कि आग जलेगा करके, तो वो नहीं करती मैं। हालांकि लकड़ी वगैरह रखी हुई है, चाहे तो चला सकते हैं, लेकिन अब वो झमेला हो जाता है, तो इसके पास बैठे रहती हूँ, और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है मुझे, बिल्कुल नहीं मन लग रहा है, कहीं आ जा भी नहीं सकते हैं, तो चलिए चलिए वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, रखिएगा अपना पूरा ख्याल, और प्लीज़ वीडियो पे जो भी भाई बहन है जो जुड़ते हैं वो नहीं फिर पीछे मत हट जाइए, क्योंकि अनसब कर देते तो बहुत, अब मुझे थोड़ी थोड़ी उदासी सी हो जाती है, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, देखिए बच्चे हैं, हस्बैंड है, घर है, परिवार है, संसार है, उस पर से एक एडिटिंग का झमेला है, तो हो जाता है ना। और
वीडियो बनाइए वीडियो बनाइए, इधर उधर फ़ोन रखना है, उधर फ़ोन रखना है, काम भी करना है, तो बहुत मेहनत लगती है। एक हाउसवाइफ को तो बहुत मेहनत लगती है, सभी को ही मेहनत लगती है, और हम लोग को ज़्यादा मेहनत लगती है। और 12 एक तो बज ही जाते हैं, क्योंकि एडिटिंग वगैरह करते हैं तो नींद आ ही जाती है। और मैंने कोई टाइम फिक्स नहीं किया हुआ है अपने वीडियो को अपलोड करना, क्योंकि समय पर नहीं हो पाता है ना, हर चीज़ समय पर नहीं होता है, बच्चे बच्चे सब है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि समय पर जाए, कम से कम 7 बजे तक, शाम के 7 बजे तक चल जाए। फिक्स कोई टाइम नहीं मैंने रखा है। तो चलिए वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, रखिएगा अपना पूरा ख्याल, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम साई राम सबका भला करेंगे। एंड प्लीज़ 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 डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ओम साई राम सौम्या। सो बाय बाय एंड टेक केयर, राधे राधे सबको, ओम साई राम सबका भला करेंगे, राधे राधे, बाय बाय एंड टेक केयर। तो कितनी बार टेक केयर बोलती हूँ, चलिए अच्छा है ना, ध्यान रखनी चाहिए। बाय एंड राधे राधे।